लास्ट लेक्चर में अपन डिस्कस कर रहे थे मीजोमैरिक इफेक्ट यही पढ़ रहे थे या कुछ और पढ़ रहे थे इफेक्ट हमने जो है समाप्त किया था अब तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ये सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया है और देखो पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट ये होता है आपने जो पढ़ा है वो आपको पता है या नहीं पता है ठीक है कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं नोट्स बनाते रहते हैं ठीक है नोट्स किताब बनाते रहते हैं ठीक है? एक रजिस्टर दो रजिस्टर तीन रजिस्टर वो भी अपने आप में रजिस्टर भी एक किताब बन जाती है लिखा हुआ है ठीक है बस लिख रहे हैं छाप रहे हैं ये चला देना भाई, ठीक है? सारे फैन चला देना आज सब आए सारे फैन चला ठीक है और आज आप लोगों का शायद इसके बाद कोई क्लास भी नहीं है तो मेरे को सर ने बोला है कि मैं आऊं तभी छोड़ना ठीक है ओनी का वेट करेंगे हम अगले सर का वो अच्छा आपने याद दिला दिया पता चले मैं जल्दी छोड़ देता ठीक है ओके इधर देखो हमने एक रिएजेंट याद करा था पीडीसी को बेंजिन बनाना है क्या डालें एस थ्री पीओ टू और इथेनॉल पीडीसी को क्या बनाएगा बेंजिन अगर एरो पर दिख जाए H2PD बेरियम सल्फेट तो फैपड़ा बोलेगा मुंडे 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 रोसेन मुंडे एसिड अलाइड को LDI आइन को इन सिस वाला ट्रांस वाला और ट्रांस वाला बनाना है तो सोडियम लिक्विड अमोनिया AgNO2 को Na2 बनाना आता है क्या ऐड करेंगे SNSC L FVS CL H2PD सोडियम बोराइडेड कितनों को तीन को किस-किस को एसिड अलाइड LDI कीट क्या बनेगा अल्कोहल लाहा इन बोलेगा आइन बोलेगा बाकी बोलेगा ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल ऑक्सीजन नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन और एस टू मेटल सब बोलेगा किसे छोड़कर जड़न एच डी एस सी एल क्या है मेंशन क्ली मेंशन एल डी हाइट कीटोन को अल्के एन एस टू एन एस टू एल डी हाइट को अल्के रेड फॉस्फोरस का रहा जो जो भी टकराएगा ये बताइए क्या मीजो वाले मीजो देखना आता है दो तरह का प्लस एम और माइनस एम लल्ला लोन का कौन सा इफेक्ट प्लस एम डबल ट्रिपल का जैसे ये बेंजीन है एनओ टू लगा दिया कौन सा इफेक्ट माइनस एम एल डी एड लगाया साइनाइड लगाया एनएस टू लगाया प्लस एम माइनस एम दोनों ही बेंजिन में कहां लगता है और एक बर्बाद करता है, है. आबाद कौन करेगा बर्बाद कौन करेगा पेरेंट्स वाला फ्रेंडशिप वाला अच्छा सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल सिंगल में रज्ज हो जाए तो कौन से करैक्टर डबल डबल आने पर लेंथ कम डबल में रज्ज हो जाए तो कौन से कैरेक्टर सिंगल सिंगल आने पर लेंथ ज्यादा

पाई सिंगल पाई। इंडक्टिव पेरेंट्स फ्रेंडशिप प्लस आई का ऑर्डर पता है क्या है नो कार्बोक्सिलेट केटाइन को न्यूट्रल करना आता है को एसिड में किसका स्टेबिलिटी एनाइन का एसिड में किसका स्टेबिलिटी एनाइन का माइनस आई का ऑर्डर पता है नहीं सुनाना ना सोमर होने के लिए मॉलिकुलर फॉर्मला फिर भी कंपाउंड अलग आई नाम अलग हुआ तो स्ट्रक्चरल सेम हुआ तो स्टीरियो कंफर्मर में रोटेशन होगा नहीं होगा नहीं होगा स्टैगर बनाएंगे बनाएंगे आंटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइक्लोजन चेयर के पास क्यों गया चेयर का ओके क्यों रह गया दो बच्चे जी आई शो करने के लिए रोटेशन डिफरेंट ग्रुप ऑन दी लाइन दी रिंग में डबल बॉन्ड जी आई कब तक शो नहीं करेगा अब सेवन करेगा रिंग में दो एस थ्री पर डिफरेंट आ जाए जी आई शो होगा या नहीं होगा सिस्टम सेम होता है या अलग क्या अलग किसका ज्यादा नहीं है किसका ज्यादा है e में प्रायोरिटी ऐसे ही ऐसे का सीक्वेंस एटॉमिक नंबर अगला सेम हुआ अगला सेम हुआ अच्छा ठुमका क्लॉक लगा तू तो, राखी एंटी क्लॉक लगा सावन फोर्थ प्रायरिजेंटल आए आंसर उल्टा वेस्ट में फोर्थ का होना चाहिए डैश अच्छा राखी सावन में रिलेशन राखी राखी सावन सावन रिलेशन राखी राखी सावन राखी रिलेशन मीजो चेक करना आता है ऊपर वाले कायरल नीचे वाले कायरल पे जुड़े हुए ग्रुप सेम ऊपर राखी नीचे सावन मीजो होगा मीजो आईने में देखेगा क्या देखेगा और मीजो मीजो में रिलेशन सिलेक्शन या नंबरिंग उसके बाद उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच उसके बाद उसके बाद के बाद डॉन्ड वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे आमाइन का डाउन के फॉर्म में नाम थायोल अल्कोहल कीटोन अलियाइड ईस्टर एसिडलाइट एक कार्बन के लिए कॉमन नेम है फॉर्म दो के लिए तीन के लिए चार के लिए पांच के लिए थ्री कार्बन वन बाई वन फोर कार्बन वन बाई वन प्रोटोन प्रोटोन एल्डिहाइड का कॉमन नेम अमाइड का एसिड का ईस्टर का साइनाइड का यहां तक हमने पढ़ लिया था अब आगे ठीक है तो हम पढ़ रहे थे मीजोमरिक क्या पढ़ रहे थे मीजोम ठीक हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे दिमाग प्लस पढ़ा क्या है चलनी रहा देखो प्लस एम और माइनस एम के बारे में हम लास्ट पॉइंट तक पहुंच गए थे जितने भी एक्स डबल वॉन्ड वाई और एक्स ट्रिपल वॉन्ड वाई इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा माइनस एम और लल्ला लोन पेयर वाले ग्रुप का प्लस एम मगर कंडीशन अप्लाई रज्जो मिलनी चाहिए जैसे यहां पर मैंने फोटो बनाया और आपसे पूछा क्या यहां पर रज्जो है? है या नहीं है आप बताइए रज्जो है या नहीं है प्लस एम लगेगा ये इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा कहां, कहां देगा को आबाद या बर्बाद इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है कम कर रहा है ये बताओ इसका कौन सा इफेक्ट लगेगा प्लस एम या माइनस एम मतलब ये हटा के ये लगा दिया अब बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा रट लें एक बार प्लस लगेगा एक बार माइनस अब बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा है? देखो से बढ़ रहा है बन रहा है एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस बताइए कौन सा इफेक्ट लगेगा है आप बताइएगा कौन सा इफेक्ट लगेगा आप बताइए आप बताइए साहब कौन सा इफेक्ट प्लस एम सोच लो ये बताइए कौन सा इफेक्ट लगाएगा अच्छा आप बताइए आप बताइए आप बताइए कौन सा इफेक्ट ये तेरा या ले रहा है तेरा ले रहा है ये तेरा ले रहा है ये वाला लेने वाला ये 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 अच्छा ये रिंग को आबाद या बर्बाद आबादी कहाँ कहाँ फैलाएगा और तो पैरा रिंग को आबाद या बर्बाद ये 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 समझ में आ रहा है अच्छा ये बताइए क्या इस कैटाइन को आप लोगों को न्यूट्रल करना आता है क्या तयके के ये बताइए क्या लोन पेयर से प्लस एम लगेगा कहां लगेगा ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन की मदद भिजवाएगा क्या कैटाइन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी कैटाइन खुश होगा या नहीं होगा स्टेबल होगा या अनस्टेबल अच्छा ये बताइए ले रहा है या दे रहा है आबाद या बर्बाद बर्बादी कहा तो पैरा क्या पैरा पे हमारा कैटाइन बर्बाद हो जाएगा क्या या नहीं होगा तो बताइए ये यहां पर कैटाइन लगा दिया क्या इस कैटाइन को स्टेबल करना आता है क्या बताइए ओ एक्स लगाते कैटाइन स्टेबल या अनस्टेबल एनओ टू लगाया ओ आर लगायाल डी आइड साइनाइड एसेड ये 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 ये, ये जिन है ये कैटाइन है यहाँ ग्रुप लगाएंगे आपको हवा में क्वेश्चन सोल्व करना है कर दोगे क्या ये बेंजिन है केटाइन है केटाइन को न्यूट्रल कैसे करे धईके लाइके ओ OH एच लगाया एल डी एड लगाया ओ एच लगाया एनएच टू लगाया एनएस OH टू लगाया, लगाया, लगाया समझ में आया या नहीं आया तो कुछ नहीं साहब हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यू समझिए जो हमारा टफ गेम है वो खत्म हो गया है और वो गेम यही था कि ये जो है हमारे सपने में आने चाहिए बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा कि सर हमारी जीओसी बर्बाद होगी जीओसी है ही नहीं कुछ ये लो जीओसी दो कैटेगरी का कहानी है एक कैटेगरी है इंडक्टिव। अभी बताएंगे रुको ठीक है पहले इसके बारे में बताते हैं ये बताओ ये जो है लोन पेयर वाले ग्रुप है इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा प्लस है बच्चों ये बताइए ये दोनों चार्ज हैं या न्यूट्रल है चार्ज और ये दोनों बताइए चार्ज पार्टिकल स्टेबल होता है या अनस्टेबल इनकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों आए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है क्या ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को कम करना चाहेगा तो इसीलिए साहब जो है चार्ज का प्लस एम इफेक्ट न्यूट्रल के कंपैरिजन में क्या होगा ज्यादा क्या कहानी क्लियर है चार्ज पहले क्यों दे रहा है क्योंकि चार्ज क्या है अनस्टेबल स्टेबल होना चाहेगा इसलिए बताइए चार्ज पहले देगा या न्यूट्रल चार्ज अब बताइए ये, ये दोनों चार्ज हैं या न्यूट्रल हैं बताओ एनएच माइनस पहले इलेक्ट्रॉन देगा या ओ एच OH? अच्छा ओ माइनस या एनएच टू ओ माइनस पहले क्यों दे रहा है चार्ज है ये क्या है चार्ज और ये क्या है न्यूट्रल अब बताइए क्या दोनों चार्ज चार्ज हैं क्या बताइए इनकी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज क्यों है इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है ओके okay, तो दोनों चार चार्ज हैं अब बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों का ईएन सेम है।, ए -ए का है या अलग है ईएन ऑक्सीजन का ज्यादा है या नाइट्रोजन ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन लेना और प्लस एम मतलब इलेक्ट्रॉन देना बताइए नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा ऑक्सीजन तो देने का किसका ज्यादा नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का प्लस एम इफेक्ट ऑक्सीजन से क्या होगा ज्यादा बताइए ओ माइनस पहले देगा या NH2? क्यों चार बताओ क्या ये दोनों न्यूट्रल न्यूट्रल हैं न्यूट्रल न्यूट्रल हैं या चार चार्ज हैं न्यूट्रल बताइए नाइट्रोजन पहले देगा या ऑक्सीजन क्या कहानी क्लियर है अब बच्चों यहां पर इन दोनों में कंपैरिजन करें मान लीजिए ये ग्रुप किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा प्लस एम यहां पर यह नाइट्रोजन भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ गया और इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लगा प्लस एम बताइए रिंग पर प्लस एम कहां कहां लगेगा ऑर्थोपेरा ऑर्थोपेरा को आबाद या बर्बाद आबाद अब बताइए क्या ये लोन पेयर इधर भी कॉन्जुगेशन कर सकता है क्या बाई सिंगल लोन पेयर होगा नहीं होगा तो इस लोन पेयर के दो तरफ जाने के चांसेस हैं या नहीं है तो जब इसका ध्यान दो तरफ चला गया तो एक तरफ ध्यान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इधर जाने का टेंडेंसी क्या हो गया कम तो इसीलिए इसका प्लस एम इफेक्ट इससे क्या होता है ज्यादा समझ में आया अब यहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन में पहले कौन देगा नाइट्रोजन तो बताओ क्या ये कंपैरिजन जो हमने दोनों में किया वो कौन सा था ई एन इन. इन दोनों में कंपैरिजन ई एन इन. इन दोनों में चार्ज और न्यूट्रल में पहले कौन देगा चार्ज ये बताइए इसमें कंपैरिजन क्लियर है क्योंकि इसका लोन पेयर दो जगह डिवाइड होगा इसलिए एक जगह देने का टेंडेंसी क्या हो जाएगा कम और बच्चों ये दोनों जो है याद रखना है। तो बताओ क्या ये प्लस एम का सीक्वेंस क्लियर है आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने सीक्वेंस लिखा था शायद ऑर्डर नहीं लिखा था ऑर्डर समझा दिया था क्या ऑर्डर बना ऐसे नहीं होता है जैसे जिसका ई एन ज्यादा है हाँ, ठीक भाई ऐसा नहीं हो सकता जिसके पास पैसा ज्यादा उसका डोनेशन पावर भी ज्यादा होगा कोई मंज़ कंजूस मक्खी चूस आदमी है उसके पास पैसा कितना ही ज्यादा हो जाए क्या वो डोनेट करेगा क्या है? जैसे आप पड़ोस पड़ोस में कोई भी देखो अपने कोई दोस्त है और उसके पास बहुत पैसा है और समोसा खा रहा है आपने मुझे भी खिला दे तो वो क्या करेगा आप कह रहे हो दूसरा खिला दे वो कह है इसी से खा ले और इसमें भी ऐसे करेगा थू ले आप खा ले <laughs> सॉस लगा दिया कौन है <laughs> ये छाप लिया लास्ट में एक नोट लिखो सबसे लास्ट में अच्छा मीजोमेरिक इफेक्ट पावरफुल होगा या इंडक्टिव क्योंकि ये कंप्लीट है और वो पार्शल है ठीक है लास्ट में एक नोट लिखें सबसे माइनस एम के सबसे लास्ट में लिखें फॉलोइंग ग्रुप Following group will show both plus M as well as minus M effect. Following group will show both plus M as well as minus M effect, but they are. ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग बट दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग फॉलोइंग ग्रुप विल शो बोथ प्लस एम एज वेल एज माइनस एम इफेक्ट बट दे आर ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग देखो हमारे एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं जैसे एनो ग्रुप है मैंने आपको बोला कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास एटलीस्ट एक लल्ला लोन पियर हो और रज्जो में भाग ले जाए तो कौन सा इफेक्ट लगाएगा प्लस एम और डबल ट्रिपल हो तो उसका कौन सा माइनस एम बच्चो यहां पर जो एनो है इसके पास लोन पियर है और अगर ये लोन पियर रज्जो में पार्ट ले जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है दे रहा है तो इसका कौन सा इफेक्ट लग रहा है माइनस एम और हो सकता है बच्चों सॉरी प्लस एम कौन सा इफेक्ट लग रहा है प्लस एम और इसी तरह से अगर पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस होकर ये इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा माइनस एम तो इस ग्रुप का दोनों तरह का इफेक्ट ऑपरेट होता है प्लस एम और माइनस एम अब डाउट आता है सर हमें क्या मानना है ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग मानना है क्या मानना है ऑर्थोपेरा मतलब कौन सा मानना है प्लस एम ठीक है जैसे ये बेंजीन है अगर ये बेंजीन भी दो तरह से कनेक्ट हो जाए किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से अगर ये जुड़ जाए तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है देखिएगा कैसे क्या पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है हो रहा है अब e तो है अब का डिफरेंस तो नहीं तो हो सकता है अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन दे रही है कौन सा इफेक्ट लगा रही है प्लस है हो सकता है पाई सिंगल पाई में रेजोनेंस ऐसे हो जाए तो ये रिंग इलेक्ट्रॉन ले रही है कौन सा इफेक्ट लगा रही है माइनस एम कोई कहानी समझ में आया या नहीं आया तो दोनों तरह का इफेक्ट लगता है एक प्लस एम और एक माइनस एम तो बच्चों हमने इंडक्टिव खत्म करा हमें पता है इंडक्टिव क्या होता है ग्रुप देखकर हम बता देते हैं हमने खत्म करा आज की डेट में हम ग्रुप देखकर जो है बता सकते हैं कि किसका मीजोमेरिक लगेगा किसका प्लस एम लगेगा किसका माइनस एम लगेगा अब बच्चों यहां पर हम बात करें तो नेक्स्ट जो कहानी आती है और वो कहानी क्या है जैसे जब जब इस धरती पर पाप का साया मंडराया तब तब एवेंजर्स पैदा होते हैं कौन पैदा होते हैं एवेंजर्स नाम सुना है आप लोगों ने एग्जैक्टली exactly हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भी जब कभी भी पाप का साया मंडराया तो यहां पर भी एवेंजर्स पैदा होते हैं हमारा सबसे पावरफुल एवेंजर है जिसका नाम है मीजोमैरिक इफेक्ट और इसे हम बोलेंगे उर्फ आयरन मैन क्या बोलेंगे आयरन मैन ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कौन सा मैन है आयरन मैन अगर साब इस आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा हमें किसका बात मानना है आयरन मैन हमारे पास दूसरा जो पावरफुल एवेंजर होता है जिसका नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन उर्फ कैप्टन अमेरिका नाम क्या नाम है कैप्टन अमेरिका तो बताइए हमारा सबसे पावरफुल एवेंजर कौन है आयरन मैन अगर आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या कैप्टन अमेरिका कुछ कर पाएगा और हमारा तीसरा एवेंजर है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट और, और, शक्ति शक्तिमान क्या नाम है शक्ति शक्तिमान देसी और विदेशी से मिलकर मूवी बनने जा रही है और यहां पर ठीक है यहां पर एक है आयरन मैन और यह है कैप्टन अमेरिका और यह है शक्ति शक्तिमान भाई साहब हम हमारे दो एवेंजर्स को तो ढूंढ के ले आए हैं जिसमें हमारा एवेंजर है जिसका नाम है मीजो मैरिक एफैक्ट क्या हमें आता है मीजो मेरिक इंडक्टिव आता है या नहीं आता है अभी हमें हमारे तीसरे एवेंजर की तलाश है इन तीनों एवेंजर्स की मदद से बच्चों हम कैटाइन को न्यूट्रल करेंगे एनाइन को न्यूट्रल करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, और उसके बाद जीओसी समाप्त हो जाएगा तो ये बताइए क्या ये आयरन मैन आपको क्लियर या नॉट क्लियर? ये बताइए अगर आयरन मैन मतलब मीजो मैरिक ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन कुछ कर पाएगा तो आपको बताइए आयरन मैन का बात मानना है या कैप्टन अमेरिका मान लीजिए आयरन मैन ने आंसर डिसाइड कर दिया तो क्या बुढ़ाऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा यह है, है जब भी देगा पार्शल देगा जब भी लेगा लेगा पार्शल मतलब कार्बन के बाद मान लिया जाता है तो ना शक्तिमान थोड़ा सा घूम के गिर जाता था ठीक है उस तरह का जो है एज ए एक्सपीरियंस प्लेयर हमने रखा है वैसे इसका जरूरत पड़ेगा ही नहीं हमें आंसर किससे डिसाइड करना है आयरन मैन एंड कैप्टन अमेरिका और जब ये दोनों निपट जाएंगे मतलब दोनों से आंसर नहीं आएंगे तब हम बुढ़े को जगाएंगे किसको जगाएंगे बुढ़्ढे को और ये बुढ़ा आप देखना जब भी जगेगा आग लगा के जाएगा क्या लगा के जाएगा आग लगा तो बताइए आपको वहां पर आयरन मैन भी दिख रहा है और बुढ़ाऊ भी दिख रहा है बात किसका मानना है आपको वहां पर कैप्टन भी दिख रहा है बुढ़ाऊ भी दिख रहा है बात किसका मान रहा है कैप्टन तो भैया अगर कैप्टन अमेरिकान ने आंसर डिसाइड कर दिया तो बुढ़्ढा शक्तिमान कुछ नहीं कर सकता बच्चों दो दो तीन तरीके होते हैं पहले इन दोनों से क्वेश्चन करा दिए जाते हैं फिर लास्ट में इससे करा दिया जाता है नहीं हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे तीसरे एवेंजर को भी ढूंढेंगे और उसके बाद तीनों केटाइन एनाइन एसिड स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ कवर करेंगे अगर मैं बात करूं जीओसी की तो एक जीओसी का शॉर्ट ट्रिक वाला चार्ट में जो है बहुत जल्द अपलोड करूंगा एलन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ब्रॉडकास्ट के फॉर्म में तो उसको अपने पास रख लेना जब भी आपको एक रिपीट टेलीकास्ट बहुत फास्टली रिवीजन करना हो आप उससे कर सकते हैं जीओसी की अगर बात करें तो जीओसी दो तो कैटेगरी में डिवाइड होती है एक कैटेगरी आती है एवेंजर्स एवेंजर्स में पावरफुल एवेंजर मीजोमेरिक उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन उसके बाद बुढ़ाउ शक्तिमान ठीक है और इन तीनों की मदद से हम कैटाइन को न्यूट्रल एनाइन को न्यूट्रल एसिडिक स्ट्रेंथ और उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ GOC का दूसरा कैटेगरी आता है वो आता है रज्जो के छह केस कितने केस रज्जो के उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ आर एस आर एस बोले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बाद आता है साफ बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, और इसके बाद आता है एरो आता है एरो आता है एच क्या आता है एच ये दो कैटेगरी में डिवाइड है बहुत सारे पापी तो जो है इस जीओसी में क्यों बर्बाद होते हैं वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहते हैं जीओसी के नाम पे सर ये पाई किधर घूमेगा सर ये लोन पेयर किधर जाएगा सर लोन पेयर होगा तो हमें कैसे पता लगेगा इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते हमें बिजली की रफ्तार से रज्जो के छे के पता होनी चाहिए क्या हमें पता है या नहीं पता है? बताओ क्या है पाई सिंगल सिंगलेंट पाई सिंगल लोन पेयर पाई सिंगल सिंगल पी पाई 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 डांस वाला ऑर्डर पता है क्या है पाई चार्ज ऑक्टेट ई एन अपोजिट चार्ज सिंगल का लाइन ज्यादा है या डबल सिंगल में गया तो कम डबल में गया तो ज्यादा प्लेनर साइकिल इलेक्ट्रॉन एरो छे पाई छे पाई पाई चार पाई इलेक्ट्रॉन ये भी पढ़ा नहीं है ये बताइए क्या मीजो में पता है आप लोगों को ओके लोन पे रज्जो में पार्ट ले जाए तो प्लस एम डबल ट्रिपल ले जाए तो माइनस है क्या क्या डाइंगो न्यूडल करना आता है एनाइन को आता है ओके okay. एसिड में किसका स्टेबिलिटी एनाइन का इंडक्टिव में प्लस आई माइनस आई पता है क्या पानी क्लियर नॉट क्लियर यही जीओसी है समझ में ना पिक्चर क्लियर है दिमाग के अंदर जीओसी का अगला एवेंजर ढूंढने जा रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन ये लिख लो sendia tha acha छाप लिया लिखना है एवेंजर्स मुझे आता है फिर भी मैंने लिख रखा है आपको नहीं आता और आप नहीं लिखोगे एवेंजर्स में तीनों एवेंजर्स हमारे साथ हैं दो एवेंजर्स हमारे साथ हैं तीसरे एवेंजर की खोज में निकल रहे हैं और उस एवेंजर का नाम है हाइपर कॉन्जुगेशन ये छाप लिया कोई नोट कर रहा है इसे छाप लिया भाई देखो इफेक्ट में मैंने आपको प्लस एम और माइनस एम पढ़ाया ये बताओ एग्जाम में ऐसा ग्रुप लगा कर दे दिया बताओ प्लस एम लग रहा है या माइनस एम क्या लोन पेयर दिख रहा है राज्यों में पार्ट ले रहा है कौन सा इफेक्ट लगा रहा है प्लस एम कहां कहां लगाएगा ऑर्थो पैरा और पेरा आबाद या बर्बाद तो ये तो प्लस एम लग गया अब मान लीजिए हमें बुढ़ाऊ शक्तिमान में से आंसर डिसाइड करना है कि में से क्या लग रहा है नफरान वाला ऑर्डर पता है बताओ नफरान निति नही नौ साइनाइड एसिड फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू दारू का कौन सा इफेक्ट माइनस आय बताइए इस ग्रुप का प्लस एम और दूसरा क्या लगता है माइनस आय अगर प्लस एम ने आंसर डिसाइड कर दिया क्या बुढ़ाऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा अगर आंसर प्लस ने डिसाइड कर दिया क्या बुढ़े को जगाना है या नहीं जगाना जब यहां पर आयरन मैन फेल हो जाएगा तब किसे जगाएंगे बुड्ढे को जगा लोगे तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर ला सकते हैं जैसे साहब मैंने यहां पर जो है ग्रुप लगा दिया एनएस टू बताओ लल्ला लोन पियर है रज्जो में पार्ट ले रहा है कौन सा फैक्ट कहा आबाद या बर्बाद तो और्थोपेरा आबाद या बर्बाद फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू अल्काइन, का कौन सा इफेक्ट माइनस आय तो पता लग जाएगा कौन सा कौन सा इफेक्ट लगता है आंसर कौन डिसाइड करेगा प्लस एम या माइनस आय ओके यहां पर बच्चों मैंने ये लगा दिया बताओ एनओ टू का फोटो डबल या ट्रिपल डबल वाले का कौन सा इफेक्ट माइनस एम कहा बर्बाद भाई का डबल है या ट्रिपल है डबल डबल वाले का कौन सा फैक्ट माइनस है और पैरा को बर्बाद या आबाद? ओके अब इंडक्टिव में से देखेंगे न फर्र न ऋतिक न हीरा ला न माइनस आंसर माइनस एम का मानोगे या माइनस आई क्योंकि ये कंप्लीट है और ये पार्शल है मीसो मैरिक कंप्लीट देता है और कंप्लीट लेता है इंडक्टिव पार्शियल देता है और पार्शियल लेता है मतलब इंडक्टिव इस तरह से है पांच सौ का नोट निकाला और करके वापस जेब में रख लिया ठीक है कि मैंने इसको कितने रुपए दिए पांच सौ रुपए ये तो गलत हो गया तो अगला हेडिंग लिखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन देखो हाइपर कॉन्जुगेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें ना तो कोई ऑर्डर हमें याद रखना है ना कोई ग्रुप याद रखना है सिर्फ एक लाइन अगर किसी को पता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन खत्म है और नहीं पता है तब भी खत्म है हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड पूरी ऑर्गेनिक में अराउंड बीस पच्चीस रिएक्शंस होते हैं मतलब अगर ये टॉपिक बर्बाद होता है तो आपके 20-25 रिएक्शन बर्बाद हो जाते हैं अगर आपको वो लाइन पता है तो 20-25 रिएक्शन का आप शिकार कर सकते हैं नहीं पता है तो वो आपका शिकार करेंगी मगर शिकार तो होगा ठीक है तो कोई ऑर्डर कोई ग्रुप नहीं सिर्फ एक लाइन कितने रिएक्शन को बचाएगी बीस पच्चीस मेरा टारगेट है ही नहीं यहाँ पे जीओसी पढ़ाना जीओसी तो अगर कोई पढ़ा देगा ठीक है अपना टारगेट है रिएक्शंस कौन सा है रिएक्शन जिसके क्वेश्चन हम हवा में सोल्व करें कैसे करें हवा में ठीक है तो कैसे सोल्व करेंगे आप हमारे बारे हमें जानते नहीं हो क्या मैं बिल्कुल जानता हूं आप ही लोगों से आंसर आएगा मीजो मेरे आया ना आप लोगों से ठीक है तो आएगा नहीं आएगा आएगा तो साहब हाइपर कॉन्जुकेशन का एक और नाम है पहले नाम लिख लो एक और नाम ब्रैकेट में लिख लो प्लस एच इफैक्ट प्लस एच इफैक्ट एक और नाम लिखो सिग्मा पाई रेजोनेंस सिग्मा पाई रेजोनेंस, सिग्मा पाई रेजोनेंस। एक और नाम लिखो सिग्मा पाई रेजोनेंस लिख लिया एक और नाम लिखो नो बॉन्ड रेजोनेंस, एक और लिख लो सिग्मा पाई रेजोनेंस उसके बाद नो बॉन्ड रेजोनेंस एनओ नो बॉन्ड लिखना है था। लिख दिया ए नो एक और लिखे बेकर नाथन इफेक्ट ई के -E ए आर बेकर नाथन इफेक्ट बेकार नहीं बाकी आप अपने हिसाब से घर पे फुर्सत के पलों में लिखते रहना ठीक है बालकनी में बैठ जाना और जो लिखना वो लिखते रहना ठीक है लिखे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में लिखेंगे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में लिखें अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन towards the alkene towards the alkene or carbocation or free radical known as a hyperconjugation complete transfer of sigma electron कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में अल्फा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स दल्कीन और कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल नॉन एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन नॉन एज अ हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट लाइन में लिखें इफ Alpha hydrogen containing group. If alpha hydrogen containing group attached with benzene ring, attached with benzene ring, then It increased the electron density. It increased the electron density at ortho para position.

सो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन ऑर्थोपैरा पोजिशन अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल एड ऑन ऑर्थोपैरा पोजिशन दैट्स वाई प्लस एच ग्रुप ऑल्सो नोन एज अ ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग लिखा नेक्स्ट लाइन में इट इज अ डिस्टेंस इनडिपेंडेड इफैक्ट it is a distance independent effect it is a distance independent effect next line generally hyperconjugation जर्नली हाइपर कॉन्जुगेशन टोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट जर्नली हाइपर कॉन्जुगेशन टोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट लिखा ओके हथियार डाल दो बोर्ड पर देखेंगे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात कर रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जितने भी पॉइंट्स लिखा है सब इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा भाई ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा अभी बात करेंगे बीस रिएक्शन को बचाने के लिए ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ध्यान रखना कैटाइन एनाइन को तो हम ऐसे भी न्यूट्रल हवा में भी कर लेंगे ठीक है सबसे पहला डाउट आता है हाइपर कॉन्जुगेशन कहां लगता है तीन जगह लगता है कहां कहा अलकीन में कार्बोकेटाइन में फ्री रेडिकल बताइए क्या कार्ब में लगता है अल्काइन में फ्री रेडिकल इन 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 या Ayn, Ayn? तो आलेगा कार्बोगडाइन लगेगा फ्री रेडिकल लगेगा, लगेगा, लगेगा. क्वेश्चन आता है शरीर में कब लगेगा जब sp2 टू कार्बन से डायरेक्टली अटैच एसपी थ्री कार्बन होगा उस sp3 थ्री कार्बन को हम कौन सा कार्बन बोलेंगे अल्फा और उस अल्फा कार्बन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उस अल्फा हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट लग रहा होगा कौन सा लग रहा होगा प्लस एच कौन सा लग रहा होगा प्लस एच ना कोई ग्रुप ना कोई ऑर्डर सिर्फ एक लाइन sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा लगेगा कम लगेगा ज्यादा अब आपको ये लाइन अगर पता है अल्फा हाइड्रोजन फाइंड करना आता है तो टॉपिक अपने आप खत्म है और नहीं आता है तब भी खत्म है ठीक है इसीलिए आपको अल्फा हाइड्रोजन देखना आना चाहिए अब डाउट आता है कि सर आपको कैसे पता लगा किसी भी कंपाउंड में हाई पर लग रहा है या नहीं लग रहा तो उस बात को समझाने की कोशिश करता हूं जैसे यहां बताओ इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है या डबल है क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है ओके तो लेंथ कितना 1.54 पॉइंट फाइव बताइएगा इस तरह से फोटो मैंने बनाया बताओ इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल या डबल क्या कोई रेजोनेंस हो रहा है, है? तो इसका भी लेंथ कितना 1.54 पॉइंट मगर हमने देखा कि यह बॉन्ड लेंथ 1.54 नहीं था अब क्यों नहीं था कोई तो लोचा था ठीक है अब क्या लोचा था चलिए बात करते हैं और क्या बॉन्ड लेंथ था वो भी बात करेंगे सबसे पहले ये बताओ हाइब्रिडाइजेशन आता है या नहीं आता है जिसको हाइब्रिडाइजेशन देखना नहीं आता पूरा टॉपिक बर्बाद हो जाएगा बताओ करीना का हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका sp2 sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन ये बताइए क्या ये डायरेक्टली अटैच sp3 है या नहीं है है इसे क्या बोलेंगे अल्फा बताइए इस अल्फा कार्बन पर कितु हाइड्रोजन है तीन कितने अल्फा हाइड्रोजन है तीन हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा हाइपर लगने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन का जरूरत है एक हमें कितने मिल गए तीन यहां पर बच्चों ये कार्बोकेटाइन है बताइए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 और sp2 से डायरेक्टली अटैच sp3 तो डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन ये कहलाया कौन सा कार्बन अल्फा और इस अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितु अल्फा हाइड्रोजन है तीन बताओ हाइपर कंजुगेशन लगेगा या नहीं लगेगा लगेगा यहाँ पर बच्चों ये फ्री रेडिकल है फ्री रेडिकल का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है एसपी टू और एसपी टू से डायरेक्टली अटैच एसपी थ्री कार्बन क्या कहलाता है अल्फा तो यहां पर भी अगर एक भी हाइड्रोजन हुआ तो वो कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा अल्फा बताइए हाइपर लगेगा या नहीं लगेगा यहां पर यहां पर बताइए अल्फा हाइड्रोजन लगने के लिए मिनिमम कितने अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन देखने के के लिए लिए लाइन पता होनी चाहिए रिएक्शन को बचाने के लिए भी ये SP3 कार्बन क्या हर चीज करी जा सकती फिर से बोलो एसपी टू कार्बन से डायरेक्टली अटैच एसपी थ्री कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे हाइपर लगेगा नहीं लगेगा तो टॉपिक वॉपिक पढ़ाना तो बहुत आसान है सबसे पहला टफ काम है अल्फा हाइड्रोजन गिनना तो चलिए मेरी मदद करेंगे सभी पापी यहां पर अल्फा हाइड्रोजन गिनने में बताइए इस करीना का हाइब्रिडाइशन इसका 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 ये बताइए क्या sp2 टू से डायरेक्टली अटैच एसपी थ्री है ये कार्बन अल्फा है या नहीं है ये वाला क्यों ये sp3 नहीं है, है। मगर डायरेक्टली अटैच नहीं है बताइए कितु अल्फा हाइड्रोजन हाइपर लगेगा नहीं लगेगा ओके यहाँ पर साहब अगला फोटो मैंने बनाया बताइए क्या इसमें अल्फू हाइड्रोजन गिन सकते हैं क्या या नहीं गिनेंगे बीस रिएक्शन बर्बाद होगी अल्फा हाइड्रोजन नहीं गिनना आएगा बताओ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन ये ये क्या ये कार्बन डायरेक्टली अटैच है अल्फा है अल्फा अल्फा, अल्फा बताओ अल्फा हाइड्रोजन कितना है अल्फा हाइड्रोजन कितना हाई पर लगेगा नहीं लगेगा हाई पर लगने के लिए मिनिमम कितना अल्फा हाइड्रोजन ओके यहां पर साहब जो है अभी मैं फोटो बनाऊ बिजली की रफ्तार से आंसर आना चाहिए मगर अभी नहीं सबसे पहले आपको जो है बिजली की रफ्तार से आंसर आने के लिए पहले टॉपिक तो आना चाहिए ठीक है तो बताइए ये, ये ये क्या ये अल्फा है यह अल्फा है यह अल्फा यह अल्फा बताइए कितने अल्फा हाइड्रोजन पांच या चार चेक कर लोगे ओके ओके गेम का लेवल बढ़ता हो चलिए बताइए अल्फा हाइड्रोजन गिनना आता है हाइब्रिडाइजेशन sp2 ये sp3 ये sp3 क्या ये अल्फा है अल्फा है क्या ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है हाई पर लगेगा नहीं लगेगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा कहानी क्लियर है तो बताइए अल्फा हाइड्रोजन देखना आया या नहीं आया अगर मैं बोर्ड पे फोटो बनाऊ अल्फा गिन सकते हो चलो गिन के बताओ कोई ऐसा पापी जिसे हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहे है कोई हमारा आज का इंडियन आइडल स्टूडेंट ऑफ द डे नहीं पहले बताओ ये अल्फा कार्बन है या नहीं है है ये देखो बिड़ी पिलाओ से बताओ ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन ये अल्फा इस करीना के दिल में बिक मगे यहाँ पर टोटल अल्फा हाई पर लगेगा नहीं लगेगा कहानी कलियर या नॉट क्लियर ओके क्या बिजली की रफ्तार से आंसर बताने के लिए रेडी या नॉट रेडी रेडी रेदी है ये बताओ ये एस टू है ये एस टू है ये क्या है ये बताओ ये क्या है एसपी थ्री ये क्या है ये बताओ अल्फा कार्बन है ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा, अल्फा बताइए करीना के दिल में बिकमंगा टोटल अल्फा हाइड्रोजन हाइपर लगेगा नहीं लगेगा पक्का अब मैं बोर्ड पर फोटो बनाऊं क्या आप बिजली की रफ्तार से गेम खेलने के लिए तैयार हैं ये कुछ है ही नहीं है सब फर्जी है ठीक है अल्फा हाइड्रोजन गिनना आया टॉपिक खत्म है ठीक है तो इसीलिए वो उसी पे काम कर रहे हैं बताओ अल्फा हाइड्रोजन अच्छा बिजली की रफ्तार ऐसे आती आपके है आपके गांव में बताइए क्या ये कार्बन अल्फा है यस वो तो देखो वहां पे भाई साहब बताइए ये अल्फा है ये अल्फा इस के दिल में भिक मंगा समझ में आया नहीं आया तो क्या आप गेम खेलें मतलब मैं यहाँ पे फोटो बना हुआ आप आंसर ले आओगे अभी भी रोक दो अगर अल्फा गिनना नहीं आ रहा है तो आ गया क्योंकि फिर हार जाओगे कोई मतलब है नहीं रदी बिजली की रफ्तार ये क्या हुआ <laughs> कैसे हो बिजली धोखा दे गई है तो मैं कह रहा हूं कि आप बिजली रफ्तार से रेडी अभी गेम स्टार्ट नहीं करा है मैंने तो करें स्टार्ट बताइए अल्फा हाइड्रोजन पक्का चलिए ये फोटो आया बताइए अल्फा हाइड्रोजन आप बोलो आप बताइए आप बोलो कितना आप बोलो आप बोलो आप बोलो आप बोलो हाँ? आप बोलो आप बोलो आप बोलो अब बोलो अब बोलो अब बोलो अपोलो अपोलो कितना ऐसा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान रखना ठीक है रेडी अभी मेरे को जब तक मेरे को फील नहीं आएगा कि आपको फील आया नहीं आया तब तक मैं यही अटका रहूंगा बताओ अल्फा हाइड्रोजन तो, एक भी नहीं है कहा है कहां रहा कहा बोर्ड पीछे कहा है है या नहीं है बताइए अल्फा हाइड्रोजन हाँ। पैरालिसिस आता है तो घबराना कितने हैं? पांच रेडी अल्फा हाइड्रोजन क्या बात कर रहे हो अल्फा हाइड्रोजन आप बोलो तुरंत चाय बिस्किट का अरेंजमेंट करो उसके लिए कितने अल्फा सात क्या ये कार्बन अल्फा है ये अल्फा ये अल्फा ये अल्फा ये नहीं है ये sp3 थ्री नहीं है ये sp3 थ्री नहीं है फिर है, है तो होगा ना मैं ये कह रहा हूं क्या हम वो गेम स्टार्ट कर दें क्या अभी स्टार्ट नहीं करा मैंने ठीक है क्या आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आज हमारे पास टाइम का कोई लिमिट नहीं है ठीक है <laughs> Are you ready? चलिए फटाफट ऑल पापीज गेट रेडी अल्फा हाइड्रोजन बताओ अब बोलो बिजली की रफ्तार अब बोलो अब बोलो अब बोलो, आप बोलो। क्या ये कार्बन अल्फा है अल्फा 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 अल्फा, अल्फा हाइड्रोजन कितना लो पाउंसर संभालो अल्फा हाइड्रोजन पैरालिसिस uh, आएगा आएगा चलिए ये बताओ क्या ये अल्फा है नहीं है, नहीं है ये झूठ बोलेगा क्या यार भगवान की कृपा इसके ऊपर झूठ बोलेगा क्या बताइए अल्फा हाइड्रोजन ये अल्फा ये अल्फा तो या इसके दिल में भिकमंगा या टोटल मैं कह रहा हूं बिजली की रफ्तार वाला गेम खेलें क्या अभी तक मैं सही करवा रहा था आपसे यह मैं सोचना आप सही कर रहे थे रेडी चलिए फटाफट आंसर बताइए अल्फू हाइड्रोजन ओके गेम का लेवल बढ़ता हुआ है चार है अब बोलो अब बोलो संभाल फिर बोल को <laughs> <laughs> बताओ बताओ अः तीन बोल रहे मगर दिल दुख रहा है कि यार तीन नहीं होंगे ज्यादा होंगे क्या ये कार्बन अल्फा है ये अल्फा ये इसके दिल में भिकमंगा या अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन अब बोलो गजब बल्लेबाजी है पैट को ऐसे मारना है ऐसे नहीं मारना है ठीक है बताइए अल्फा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है पक्का आप बोलो हाँ? आप बोलो, क्या बात कर रहे हो तो सोमालो बाउंसर <laughs> समझ में आए या नहीं आए पक्का अब गेम का लेवल बढ़ता हुआ ए और बी दो तो फोटो बनेंगे आपको बताना एल्फू हाइड्रोजन कहां ज्यादा है ध्यान रखना कोई चीज फालतू नहीं है फाल फलतू तरीके से सा सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जब डबल ट्रिपल इतना इंपॉर्टेंट था आप ये मत सोचना आपको प्लस एम माइनस एम आते हैं आपको डबल ट्रिपल आता है डबल ट्रिपल को क्या अप्लाई कर दिया माइनस एम लोन पेयर को प्लस एम तो गलत भी मत जीना आपको आता था ठीक है दो फोटो बनेंगे आपको बताना है कहां पर अल्फो हाइड्रोजन ज्यादा है कितने है डजन मैटर ओके आप थोड़ा सा आसान कर दिया मैंने गेम ए या बी ए में कितना दस पांच ही बोला अच्छा अच्छा मैं बुढ़ापा गया गरीब आ गया ठीक है बी में कितना बताओ बी में कितना एक तो नहीं है। एक बोलने वाले का दिल दुख रहा है इतना बढ़िया कंपाउंड है थोड़ा बहुत तो लिखेंगे बताइए ए और बी में हाइड्रोजन किसमें किस में, में। कहानी को समाप्त करते हैं ये बताओ हाइपर कॉन्जुगेशन कहा लगेगा अल्किन में लगेगा कार्बोडाइड फ्री रेडिकल लाइन बोलो sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है अल्फा कार्बन जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम फिर से लाइन बोलो नहीं नहीं आप नहीं ये बोलेगा बोलो हाँ चले फिर बोल एक सेकंड बोलो। वो क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम सादा चलिए टॉपिक अब जैसे सब पढ़ते हैं वैसे हम भी पढ़ लेते हैं तो साहब यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन तीन जगह लगेगा अल्किन में कार्बोकडाइन में एंड फ्री रेडिकल बताइए क्या ये अल्किन है या नहीं है क्या एसपी टू से डायरेक्टली है एसपी थ्री कार्बन है इस पर अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन है या नहीं है हाई पर लगेगा नहीं लगेगा लगेगा कहानी क्लियर या नॉट क्लियर अब बच्चों ये बताओ एसपी टू और एसपी थ्री में en किसका ज्यादा en 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 मतलब इलेक्ट्रॉन लेना इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी किसका ज्यादा है तो भाई साहब यहां पर इसका ज्यादा है ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खेचने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा करेगा तो साहब उसी समय ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जो है इस अलकीन की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे ट्रांसफर होते ही यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा पाई बॉन्ड और ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर तो भाई अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टूवर्ड्स क्या कहलाता है हाइपर तो बताइए हाइड्रोजन थे तीन तीनों में से कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता था बताइए अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पार्शियल ट्रांसफर हुए या कंप्लीट तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा पावरफुल या हाइपर अगर हाइपर ने आंसर डिसाइड कर दिया क्या बुढ़ाऊ शक्तिमान कुछ कर पाएगा तो बताइए कैप्टन का बात मानना है या बुड्ढे का बुड्ढे का बुड्ढे का ओके यहां पर बताइए कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 इसका क्या है sp3 e n किसका ज्यादा sp2 तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टूअर्ड्स कार्बोकेटाइन ये भी क्या कहलाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन ये बताइए फ्री रेडिकल में एसपी टू है और ये क्या है एसपी थ्री अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है है साहब यहां से एक इलेक्ट्रॉन आया और अल्फा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आया दोनों ने मिलकर क्या बना दिया बॉन्ड और यहां पर ये फ्री रेडिकल बन गया तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना फ्री रेडिकल की तरफ कार्बोकेटाइन की तरफ अल्किन की तरफ कौन सा इफेक्ट कहलाता है हाइपर कॉन्जुगेशन क्या ये कहानी क्लियर है बच्चों अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो हाइपर लग जाएगा यहां पर अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है? है, है, है अरे है झूठ बोल रहे आप सही हो एस टू है थोड़ा बहुत यार हर मंगलवार तो उसको भी अपनी आजादी है अपने हिसाब से डिसाइड करने की आप कैसे डिसाइड कर सकते हो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है पहले बताओ अल्फा कार्बन है या नहीं है अच्छा यहां पर मैंने फोटो बनाया अब बताइए अल्फू कार्बन है या नहीं है अब बताइए अल्फू कार्बन है या नहीं है है या नहीं है अब बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है ये नहीं है अच्छा अब बताइए अल्फा कार्बन है या नहीं है क्या ये एसपी टू कार्बन है क्या इससे डायरेक्टली अटैच एसपी थ्री है ये कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा क्या अल्फा हाइड्रोजन है क्या कितने अल्फा हाइड्रोजन अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन होगा कौन सा इफेक्ट लग जाएगा प्लस एच क्या लग जाएगा प्लस एच तो अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाना टूवर्ड्स क्या कहलाएगा हाइपर बताइए इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या पार्शल है कंप्लीट ये बताओ क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस हो सकता है क्या रज्जो करके ये इलेक्ट्रॉन क्या पाइरा पर आएगा या नहीं आएगा आएगा फिर से रज्जो करके ऑर्थो पर आएगा या नहीं आएगा आएगा

मगर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो ये बताओ मैंने डेफिनेशन क्लियर करा अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाना अल्किन की तरफ कार्बोकेटाइन की तरफ फ्री रेडिकल की तरफ उसे आप क्या बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या डेफिनेशन क्लियर है मैंने लिखवाया कि अल्फा हाइड्रोजन वाला ग्रुप अगर बेंजिन रिंग से कनेक्ट हो जाएगा तो बैंजिन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां बढ़ा देगा और इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला मोहब्बत करने वाला जब इलेक्ट्रॉन की तलाश में आएगा रिंग में कहां कहां जाएगा पे क्यों जा रहा है क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है तो इसलिए कहां चला जाएगा ऑर्थोपैरा जब तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इंडक्टिव इंडक्टिवेक्ट पे ये डोमिनेट करता है तो आंसर अगर हाइपर ने डिसाइड करा तो क्या भुड़ा शक्तिमान कुछ कर पाएगा तो ये आपको कहानी समझ में आया या नहीं आया ओके अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कैसे पता लगा हाई पर लगा या नहीं लगा बताइए करीना और करीना के बीच में बॉन्ड सिंगल था या डबल था सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना 1.54। ये बताइए इस करीना और करीना के बीच में यहां पर बॉन्ड सिंगल था या डबल सिंगल बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए वन मगर ऐसा नहीं था बताइए बच्चों क्या यहाँ कोई रेजोनेंस हो रहा है अच्छा बॉन्ड सिंगल है या डबल है हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है कितने अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देगा तो कौन से करेक्टर आएंगे डबल और डबल आने पर लेंथ बढ़ेगा या कम होगा कम होगा तो जैसा रेजोनेंस में वैसा यहां पर मतलब यहां पर जो लेंथ था वो 1.54 से कम था मतलब कुछ तो लोचा हुआ था और वो लोचा हाई पर से समझ में आया बताओ सिंगल का लेंथ ज्यादा या डबल सिंगल में रज्ज हो गया तो कौन से करैक्टर डबल डबल आने पर लेंथ काम ये बताइए बच्चों ये बॉन्ड सिंगल था या डबल था सिंगल में हाई पर हो गया तो कौन से करैक्टर डबल डबल आने पर लेंथ काम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा क्या कहानी क्लियर है अब डाउट आता है साहब यहाँ पर सर हमने पढ़ा क्यों ये टॉपिक जहां जहां भी साब कहीं पर अल्कीन बन रहा होगा जहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा होगा जहां भी फ्री रेडिकल बन रहा होगा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहां पर हाइपर का कॉन्सेप्ट लगेगा कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहां पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन किसी भी अल्कीन का स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा ज्यादा जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर यह फोटो बनाया और ये डबल बॉन्ड बनाया एक फोटो बनाकर ये डबल बॉन्ड बनाया बताओ यहां अल्फा हाइड्रोजन कितना छ यहां पर बताइए अल्फा कितना वो अल्कीन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फा का नंबर क्या होगा सादा तो बताइए ए वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल बी वाला तो स्टेबल अल्किन के बारे में बात करें तो ए अल्कीन इज मोर स्टेबल देन बी अल्कीन क्या कहानी क्लियर है तो अल्फा हाइड्रोजन अगर आपको आते हैं तो आप अल्किन का स्टेबिलिटी डिसाइड कर सकते हैं जहां से ये फोटो बनाया बताओ इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है अच्छा, बर्बाद हो टिकट कराओ घर का ठीक है बताओ कितने अल्फा यहां कितना ए वाली अल्किन ज्यादा स्टेबल बी वाली है? इसलिए हमने टॉपिक पढ़ा तो जिस जिस रिएक्शन में हम डबल बॉन्ड बना रहे होंगे तो वहां बताइए स्टेबल अल्किन बनाएंगे या अनस्टेबल स्टेबल स्टेबल या मोर स्टेबल वो डिसाइड कैसे करेंगे अल्फा जैसे साहब ये फोटो बनाया बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड बनाया कितने अल्फा हाइड्रोजन मुझे नहीं मैं भूल गया मैं तो मेरे को आता ही नहीं आप ही सिखाएंगे मुझे कितने अल्फा चार ए वाला अल्किन ज्यादा स्टेबल बी वाला क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है ये कहानी क्लियर या नॉट क्लियर? अब तो यहां पर फ्री रेडिकल के बारे में कार्बोकेटाइन में हाइड्रोजन वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा ज्यादा जैसे साहब यहां पर ये फोटो बनाया और ये फोटो बनाकर आपको दे दिया क्या आप अल्फा हाइड्रोजन गिन सकते हो क्या बताओ कितु अल्फा हाइड्रोजन पांच और तीन आठ ये गिना है ये क्या है अल्फा ये क्या है अल्फा ये ये अल्फा कितने अल्फा हाइड्रोजन आठ ओके यहां पर ये वाला फोटो बनाया और आपसे पूछा बताइए साहब कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ये पांचों गिन लिए बेटा ये गिना है ये गिना वो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल जिसमें अल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा ज्यादा कहानी क्लियर है वैसे तो हम तीनों एवेंजर्स की मदद से आगे को न्यूट्रल बनाने वाले हैं मगर फिर भी मैंने एक एक एग्जांपल यहां पर करवाए फ्री रेडिकल के बारे में बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वो फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल रहेगा जिसमें एल्फू हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा ज्यादा जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन दे दिया और ये फोटो बना दिया ये एक फ्री रेडिकल यहां पर फ्री रेडिकल और यहां पर फ्री रेडिकल अल्फा गिनो मुझे तो नहीं आता क्या ये सही है क्या ये कार्बन अल्फा है ये अल्फा ये अल्फा कितने अल्फा कार्बन तो दो ही है हमें कार्बन गिन रहे हैं हाइड्रोजन गिन रहे हाइड्रोजन ये बताओ क्या ये अल्फा है ये अल्फा, ये अल्फा 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 है ना ये अल्फा है ये अल्फा अरे पागल है मंगलवार को ये अल्फा हो जाता है तो बताओ अल्फा कार्बन है या नहीं है है कितने अल्फा हाइड्रोजन एक बताइए तीनों में स्टेबल फ्री रेडिकल का ऑर्डर बता सकते हो क्या क्या आएगा एबीसी से कहानी क्लियर या नॉर्थ क्लियर कोई डाउट है कर लोगे क्वेश्चन कितने सेकंड चाहिए छापने में दस सेकंड दिए बेटा आपको ठीक है टाइम स्टार्ट नाउ ओके अगले दस मिनट आपके पास हैं और अगर कोई भी बात किया तो फिर क्लास सेवन थर्टी तक खींचेगा ठीक है अब ये आप ही के ऊपर डिपेंड है अपली लिया भाई आराम से लिखो कोई दिक्कत नहीं छाप लिया भाई यहां से यहां तक मैं किसी पॉइंट को दोबारा एक्सप्लेन करना है नहीं देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है इसलिए इसका नाम प्लस एच इफेक्ट बोला है दूसरा जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बताइए कौन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन सिग्मा सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाकर कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं पाई इसलिए हम इसे बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस नेक्स्ट हाइड्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बसता इसलिए इसे हम बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस और इसे बेकर नाथन ने दिया था इसलिए इसका नाम क्या है बेकर नाथन इफेक्ट साइंटिस्ट थे उनका नाम था दो साइंटिस्ट थे एक बेकर और एक नाथन ये मत सोचना दोनों एक ही थे तो दोनों ने मिलकर ये इफेक्ट दिया तो इसका नाम क्या था बेकर नाथन इफेक्ट फिर से सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाकर पाई बॉन्ड बना रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं सिग्मा पाई रेजोनेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसको बोलते हैं प्लस एच इफेक्ट जैसे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देता है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बसता इसलिए इसका नाम क्या है नो बॉन्ड रेजोनेंस ये में लगेगा कार्बोकेटाइन में लगेगा फ्री रेडिकल में लगेगा मगर कंडीशन अप्लाई अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए यह लाइन याद होना चाहिए sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन लगा हुआ तो कौन सा इफेक्ट लग जाएगा हाइपर कॉन्जूकेशन क्लियर है कोई डाउट है इसमें ओके okay. छाप लिया थैंक यू नॉट एक्सेप्टेड ट्राई अगेन ठीक है चलो रिमेनिंग ऐसा आप सोच रहे हैं ठीक है दुकान देख, खाना वाना खा के जाना ऐसे नहीं आए हो इतनी मेहनत से दो बजे आए भूखे बैठे हो आप लोग यहाँ पर अभी आठ बजे खाना आ जाएगा आठ बजे छोड़ देंगे आपको ठीक है मैस में खाना कितनी बजे मिलता है सात बजे सात बजे चालू हो जाता है आज सात बजे मिलेगा अच्छा चलो अभी जाके क्या करोगे मतलब पढ़ाई करोगे कौन कौन पढ़ेगा ये झूठ बोल रहे हैं चलो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास धन्यवाद